सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी बेटा खाना लगा दूं या चाय बना दूं पहले? नहीं नहीं, आपने क्यों बनानी है, मैं आशी से कह देता हूँ। आशी कहाँ है? कहाँ होना है उसने, जब जगह तंग पड़ जाए तो इंसान अपना ठिकाना बदल लेता है। अब ये शिकवा मत करना कि मैंने उसे रोका नहीं, मेरे रोकने से पहले ही उसने कह दिया था कि मुझे रोकिएगा नहीं। अच्छा किया आपने, और आशी ने भी बहुत अच्छा किया, कम से कम मेरी ये खुशफहमी खत्म कर दी कि वह हर हाल में मेरा साथ निभाएगी। वो बहुत बदल गया, उसे किसी का होश ही नहीं रहा। नहीं बेटा, वो सब कुछ भूल सकता है, तुम्हें नहीं भूल सकता। भूल गया है मुझे भी और मेरी मोहब्बत को। तुम्हारी मोहब्बत तो सांस बनकर उसके वजूद में दौड़ती है, मत सोचो उसके बारे में कुछ गलत। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा है? वो कहता है अगर माया उसे छोड़कर जा सकती है तो मुझे भी छोड़ सकता है। मोहब्बत उसके लिए इंतहाई नापायदार जज्बा बन गया है कि मोहब्बत को वक्त भी फरामोश कर देता है। कितना अच्छा था ये लड़का, पापा भी कितनी परेशान है उसकी वजह से। अगर मुझे पता हो कि माया कहाँ गई है तो मैं उसे मिन्नत करके वापस ले। जब तक वो वापस नहीं आएगी वो मेरे को करार नहीं मिलेगा। अगर माया वापस आ गई तो क्या तुम्हें करार मिल जाएगा? माया के ना होने पर वो तुम्हें इस तरह नजरअंदाज कर रहा है तो उसके आने पर तो वो तुम्हारी तरह देखेगा भी नहीं। मैं शिकवा नहीं करूंगी उससे, कम से कम ये तसल्ली तो होगी कि वो बेचैन नहीं। अम्मी अब तो वो इसे ढूंढने के लिए रात रात भर बाहर रहने लगा है। पागल है वो, जिसके ठिकाने की कोई खबर ही नहीं उसे कहाँ तलाश करता है। वो कहता है दुनिया की जब तक हर जगह से उसे इनकार नहीं हो जाएगा वो अपनी तलाश जारी रखेगा। ये तो दीवानगी है आशी। दीवाना ही तो हो गया अम्मी। तुम उसे बताकर आई हो? उसे अपनी होश नहीं, उसे एहसास नहीं है किस अजियत से मैं वहां से यहाँ पे आई हूँ। उसे तो परवाह ही नहीं। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? अरे घर से नहीं निकाला, वो खुद आई है। तुम चुप रहो, तुमने हमेशा अपनी बहन और उसकी बेटी की हिमायत की है।